दोस्तों आपने जैसा कि सुन रखा है कि जियो का कंप्लीमेंट्री ऑफर ट्राई के नियमानुसार कल 9:30 बजे रात से वापस लेनी थी, लेकिन इसका मोहलत 2 या 3 दिन का मिल चुका है जियो को। फाइनली कल रात में बताया जा रहा था कि इसका मोहलत सिर्फ कल रात 12 बजे यानी 6 अप्रैल 12 बजे रात तक यह मोहलत दिया गया था, लेकिन आज 2 या 3 दिन का मोहलत जियो को मिली है। यानी कि जो कस्टमर अभी भी समय से प्राइस ऑफर में जाना चाहते हैं वो अभी भी रिचार्ज करा के जा सकते हैं। इसका प्रूफ कहाँ है? इसका प्रूफ माय जियो ऐप में फ्लोटिंग एड्स में है। मैं ये एड्स बार बार देख रहा था, मैं इग्नोर कर रहा था कि वही ऑफर होगा 303 वाला, क्योंकि कल से यानी पूरे एक सप्ताह से मुझे ये मैसेज आ रहा है और आज भी मैं वही सोच रहा था, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो यहाँ मुझे लिखा हुआ मिला ट्राई एडवाइस जियो टू बाय थ्रो 3 मंथ्स कम्प्लीमेंट्री ऑफर। यानी कि जियो को ट्राई ने एडवाइस किया है कि 3 मंथ्स कम्प्लीमेंट्री ऑफर वापस लेनी है। जियो समय सरप्राइज ऑफर कुछ ही दिनों में वापस लिया जा रहा है। जो कस्टमर्स इसको पेड कर चुके हैं, रिचार्ज करवा चुके हैं, उनके लिए यह ऑफर चलता रहेगा। 4 मंथ्स की ऑफर मिलेगी, 3 मंथ्स तो मिलेगी ही, 1 मंथ आपका एक्स्ट्रा जो रिचार्ज के अनुसार मिलती है वो मिलेगी, 3 मंथ्स आपका बोनस होगा, यानी टोटल 4 मंथ्स का बेनिफिट्स आपको मिलेगा। यानी कुछ ही दिन का समय बचा, आप भी रिचार्ज कर लीजिए अगर नहीं करवाए हैं तो, आपको भी ये बेनिफिट्स मिल सकती है। 2 या 3 दिन का समय है, दोस्तों को बताएं जो रिचार्ज करने से चूक गए हैं, जो रात को 12 बजे उठकर कल 6 अप्रैल को करने की कोशिश कर रहे थे, उनके लिए भी एक मोहलत मिल चुका है, जल्द से जल्द रिचार्ज करा लें। ये हम लोगों के लिए सबक ही होगा कि समय रहते हमें कुछ ना कुछ कर लेना चाहिए। कल से ये लोग यह भी सोच रहे थे कि हम उस डाटा सस्ते डाटा का अब फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, वक्त इतना मिल चुका था हमें कि कुछ लोग राहत ले रहे थे, अभी 15 तारीख तो दूर है, चलो रिचार्ज करवाएंगे ना। खैर कोई नहीं, अपने दोस्तों को बताएं और रिचार्ज करवाएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। लाइक करें, शेयर करें और आप अगर यहाँ नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए इसी प्रकार की खबरें जो आपको अच्छी लगे। अगर आपको अच्छी नहीं लगती है तो डिसलाइक करें वीडियो को और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्या नहीं अच्छी लगी, ताकि हम आगे से सुधार इसे कर सकें। धन्यवाद।